मीटू एक ऐसा मूवमेंट है जिसकी शुरुआत तो अमेरिका में हुई थी, पर ये मूवमेंट बॉलीवुड में भी कई सालों से चलता आ रहा है। पर तनुश्री के इस मूवमेंट पर खुल के बोलने से इस मूवमेंट को इंडिया में भी नाम मिल गया। भले ही तनुश्री के एलिगेशन के पहले भी बॉलीवुड में और कई सेलेब्स के नाम मीटू में शामिल हो चुके हैं, पर उन केसेस को इतनी लाइमलाइट नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से वो सारे केसेस केस ही बनकर रह गए। चलिए हम आपको उन सब चेहरों से रूबरू करवाते हैं जिन पर लग चुके हैं मीटू के एलिगेशंस। मधुर भंडारकर, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर, जिसके ऊपर 2004 में एक मॉडल के द्वारा रेप करने का आरोप लगा था, पर मधु के इस मॉडल को ब्लैकमेल करने की वजह से इस केस को लाइमलाइट नहीं मिल पाई। 2005 में शक्ति कपूर भी कास्टिंग काउच के स्कैंडल में फंस चुके हैं। उन्होंने करियर बनाने के चक्कर में एक को स्टार के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की डिमांड की थी। क्वीन फिल्म के ऊपर भी मीटू का आरोप लग चुका है, और वो आरोप कोई बाहर की लड़की ने नहीं बल्कि उन्हीं की फिल्म की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लगाया था। कंगना का कहना था कि विकास उन्हें कई बार फिल्म के सेट पर अनकंफर्टेबल फील करवाते थे। वैसे इससे पहले भी विकास के ऊपर रेप करने का आरोप लग चुका है। इरफान खान जैसे टैलेंटेड एक्टर भी इस मीटू से नहीं बच पाए। उन्हीं की फिल्म पान सिंह तोमर की को स्टार ममता पटेल ने उनके साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाने के आरोप लगाए थे। सिंगर पेपॉन के ऊपर भी उनकी शो के कंटेस्टेंट के साथ गलत तरीके से किस करने का आरोप लगा था। ओमपुरी भी इस चुंगल से बचे नहीं। उनके ऊपर भी मेज के साथ सेक्सुअल क्लेम्स और वाइफ नंदिता पुरी के साथ मारपीट के आरोप लग चुके हैं। चेतन भगत के ऊपर भी सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लग चुके हैं, जब एक लड़की ने उनके व्हाट्सएप चैट को अपने अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद चेतन ने ट्वीट कर सॉरी भी फील किया था। इस मीटू से इंडस्ट्री के संस्कारी बाबू भी नहीं बच पाए। आलोक नाथ के ऊपर भी उनके शो के प्रोड्यूसर विंटा नंदा ने सेक्सुअल आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी आलोक नाथ ने, और आलोक सेट पर भी बाकी एक्ट्रेसेस के साथ बदतमीजी करते थे। अब बात करते हैं तनुश्री दत्ता की। तनुश्री दत्ता ने भी 2004 में नाना पाटेकर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होने पर आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा से सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, जिसमें प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री और गणेश आचार्य का नाम भी शामिल हो चुका है। कहते हैं ना, हमेशा अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है, फिर चाहे बुराई कितनी भी हद से बाहर क्यों ना हो गई हो। और ऐसी बुराई, एक औरत के साथ गलत करना, उन सब का सच बताना तो बहुत जरूरी है, और जिन सब ने हिम्मत करके ये सब सच बताया है, हमारी टीम उन्हें सल्यूट करती है।